सुनिए दोस्तों, कुकर की सीटी ये अपने सिंगल लंग में हवा भर के ऐसे ही अपने प्रेस को डराता है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज सुबह सुबह रेस्क्यू के लिए दो कॉल आए और दोनों ही साहब जो हमने रेस्क्यू किए हैं वो है रसल स्वाइपर। एक बड़े साइज का रसल स्वाइपर है और ये अब तक का हमारे द्वारा रेस्क्यू किया गया सबसे बड़ा रसल स्वाइपर है। इसको हमने केंद्रीय विद्यालय बचेली के टॉयलेट से रेस्क्यू किया है। ये वहाँ पर घुसा हुआ था और आप ये सोचिए कि अगर लॉकडाउन की स्थिति ना होती और अभी स्कूल अगर या क्लासेस चल रही होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरा हमने जो रसल स्वाइपर रेस्क्यू किया है वो थोड़े छोटे साइज का है। ये किरंदुल में बंगाली कैंप के तरुण विश्वास जी के घर से हमने रेस्क्यू किया है। केंद्रीय विद्यालय का रेस्क्यू ऑपरेशन अमित ने पूरा किया था और मनोज जी ने बंगाली कैंप किरंदुल का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं रसल स्वाइपर। आप देख सकते हैं ये छोटे साइज का है रसल स्वाइपर और बड़े साइज वाला हमने बड़े डब्बे में रखा हुआ है और ये काफी ज्यादा बड़ा है। आप देख सकते हैं अभी इसने अटैक किया था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है ये, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको कैप्चर कर लिया गया है। अब इन दोनों को अलग अलग एरियाज में रिलीज करना जरूरी होगा, वो इसलिए क्योंकि ये कैनिबलिस्टिक नेचर के भी होते हैं, यानी कि स्वजाती भक्षण करना बड़ा ही आसान होता है इनके लिए। और ये बेचारा छोटा जिसने अभी जीवन शुरू ही किया है ये बेफिजूल में मारा जाएगा। तो आइए दोस्तों और बात करते हैं रसल स्वाइपर के वेनम वगैरह के बारे में। तो पहले इन्हें डब्बे से निकाल के रिलीज कर देते हैं, उससे पहले हम आपको इनका साइज और जो बाकी डिस्क्रिप्शन है वो दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको रिलीज करने आ गए हैं फॉरेस्ट्री एरिया में। आप देख सकते हैं बहुत ही डेंस फॉरेस्ट एरिया है ये जहाँ हम इसको रिलीज करने आए हैं। साथ ही पानी का भी बहुत ही शानदार स्रोत है, तो इसको खाने की कमी कोई नहीं होगी दोनों को। और दोनों का निकालने वाले हैं छोटे वाले रसल स्वाइपर को पहले बाहर। और आप देख सकते हैं सेफ्टी मेजर हम पूरा इस्तेमाल करते हैं। अभी हम जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं ये फैल्कन टोंग है। देखिए आप किस तरीके से ये अटैक कर रहा है हमारे टोंग पर। और अभी आपको हम बताएंगे, ये देखिए छोटा रसल स्वाइपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसको बंगाली में चंद्रबोड़ा, उड़िया में भी चंद्रबोड़ा कहा जाता है, हिंदी मराठी में से घोनस कहा जाता है और अंग्रेज़ी में रसल स्वाइपर। साइंटिफिक नेम इसका है दाबोई रसली। चंद्रबोड़ा इसे क्यों कहा जाता है आप इसके बॉडी पे बने पैटर्न के कारण समझ सकते हैं। देखिए एट आकार का कंटिन्यूस चेन पैटर्न इसके बॉडी में होता है, इसी कारण इसको चंद्रबोड़ा कहा जाता है। ज़्यादा बड़ा ये है नहीं, तो अभी हम इसको रिलीज कर देंगे। इसका वेनम टाइप है हेमाटॉक्सिन। ये वाले वाइपर का कलर आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, चमकीला ये ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है कि अभी अभी इसने स्किन शेड की है अपनी, स्किन शेड के कारण जो नई परत आती है स्किन की वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और शाइनी होती है। तो अब हम इसको आगे के इलाके में रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद बड़े वाले को रिलीज़ करेंगे। हमने इसको रिलीज़ कर दिया है, अभी जाने के मूड में नहीं लग रहा है, लगता है जाएगा। काफ़ी तेज़ होते हैं और बस देखिए किस तरीके से ये बढ़ चुका है आगे। और इसे थोड़ा सा नीचे की ओर धकेलना हमारी प्रायोरिटी होगी ताकि ये वापस हमारी तरफ ना आ जाए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो बड़े वाले को हम छोड़ने जा रहे हैं थोड़ा सा और अंदरूनी इलाकों में। और देख सकते हैं बहुत ही शानदार यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रीम है, इसमें भी चेकर्ड कील बैक या ढोंडिया वगैरह हो सकता है। तो चलिए अब बड़े वाले रसल स्वाइपर को भी हम रिलीज़ कर देते हैं। थोड़ा सतर्कता इसमें हमको ज़्यादा बरतनी होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। लाइटिंग दिख रही है यहाँ पे शेडो के कारण, ये नेचुरल है और ये रसल स्वाइपर के लिए बहुत ही शानदार कैमोफ्लाज का काम करता है। छुपकर ये इसी छद्मावरण में खोल सा जाता है और यही इसको हाइड करने के लिए और इसके शिकार के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ हो जाती है कि ये दिखता ही नहीं है इतनी खतरनाक लाइटिंग में। सुनिए दोस्तों, कुकर की सीटी ये अपने सिंगल लंग में हवा भर के ऐसे ही अपने प्रेस को डराता है। देखिए कितनी भयानक आवाज है ये।
ये इनका वार्निंग देने का तरीका है। अब ये हमें भी वार्निंग दे रहा है और हम इसको हाथ से तो छूने की गलती बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हमारे पास हमारा फैल्कन टोंग है जो इस तरह के सांपों को होल्ड करने के लिए बहुत ही शानदार होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, रसल वाइपर, ये एक फुल्ली ग्रोन रसल वाइपर है। और अभी इससे पहले जो हमने रिलीज़ किया था उसका कलर और इसके कलर में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसने अभी स्किन शेड अपनी की नहीं है। आप इसके बॉडी पर टिक्स भी देख सकते हैं। टिक्स यानी कि पिस्सू वगैरह होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। टिक्स पिस्सू जो है परेशान करते हैं। और आप देखिए किस तरीके से ये अपने शिकार को पकड़ता है और इसकी वेनम की क्या खासियत है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अमित ने इसे केंद्रीय विद्यालय बचेली से रेस्क्यू किया था। गर्ल्स टॉयलेट में ये घुसा हुआ था और जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ के जो मज़दूर थे वो काफ़ी डरे हुए थे और बहुत ही दिक्कत उनको हुई। और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही अमित को कॉल आ गया था कि एक बहुत बड़ा सांप घुसा हुआ है। बचेली के लोगों की ये अच्छी बात हो गई है कि अब जो सांपों को मारना है उन्होंने ऑलमोस्ट कम कर दिया है। अमित के पास, मनोज के पास या मेरे पास लगातार कॉल आते ही रहते हैं रेस्क्यू के लिए और हम किसी भी समय जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं। 24/7 हमारी सर्विसेज से, हम किसी भी समय दिन के या रात के आप बुलाएंगे हम बिल्कुल आएंगे। नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में तीनों का दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको फॉरेस्ट एरिया में रिलीज़ कर देते हैं क्योंकि ये ऐसे ही बहुत गुस्से में है और हमने अगर इसे ज़्यादा होल्ड किया तो ये हम पर ही अटैक कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब धीरे धीरे इसको रिलीज करना होगा। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये आगे बढ़ गया है और बहुत ही शानदार तरीके से ये आगे गया है। पानी में इसने अपने आप को सबमर्ज किया है कुछ हिस्सा ताकि थोड़ी सी इसको राहत और ठंडक महसूस हो। आपको बता दें कि हर सांप बहुत ही शानदार स्विमर होता है, हर सांप बहुत ही शानदार स्विमर होता है। और अब ये वापस इसी तरफ आ रहा है घूम के, तो हम कोशिश करेंगे कि उधर से ना आए। देखिए आप देख सकते हैं, अगर देख पा रहे होंगे तो, किस तरह ये पानी के अंदर घुसा हुआ है और उसका मुंह भी आपको दिख रहा होगा अगर आप देख पा रहे हैं तो। बहुत ही शानदार स्विमर्स होते हैं हर सांप, ये सभी सांपों की प्रवृत्ति होती है स्विमिंग करना और बहुत ही शानदार ये स्विमर होते हैं। सिलिंड्रिकल बॉडी और स्नाउट के कारण ये काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर भी रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हमने छोड़ दिया है, अब इसके वेनम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। रखा तो इसने क्या किया है, ये बहुत सारे सांपों का डिफेंस मैकेनिज्म होता है क्योंकि इनकी पूरी शक्ति इनके सिर में होती है और किसी भी सांप को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसको सिर से होल्ड किया जाए। तो जब हम उनको सिर से होल्ड करते हैं तो वो वेनम रिलीज तो नहीं कर सकते, तो ये अपने इनके इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, उनको ये एक ही बार में रिलीज़ करते हैं। और अगर ये आप पर गिरे तो बहुत भयानक बदबू आती है जो हमें इस समय आ रही है। टोंग को किस तरह से विषाक्त कर दिया है, हमने पहले भी एक रसल स्वाइपर के वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरह उसने हमारे टोंग पर हमला किया। और ये जो प्रोटीन है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ह्यूमोटॉक्सिन वेनम है ये। और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या कंपाउंड्स हैं, हम आपको अभी आगे इसी वीडियो में डिटेल में बताएंगे, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। चलिए अब इसको हमने रिलीज तो कर दिया है और हम बैठ इसलिए गए क्योंकि अंदर फॉरेस्ट में पानी है, ह्यूमिड इलाका, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अमित से थोड़ी और डिटेल ले लेते हैं कि सुबह कितने बजे कॉल आया था और क्या वहाँ के लोगों की स्थिति थी और फिर जब इन्होंने रिलीज़ किया तो क्या इन्होंने वहाँ जानकारी दी। तो चलिए बात करते हैं अमित जी से। नाश्ते के टाइम ये कॉल मुझे आया था तकरीबन 8:00 के आसपास और ये बताया गया कि केंद्रीय विद्यालय में एक सांप है। पहले तो लोगों को लगा कि अजगर है, वहाँ कुछ गार्ड थे और आइसोलेशन जो है उसको स्कूल को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहाँ जो गार्ड थे उन्होंने टॉयलेट में इस सांप को देखा और उनको पहली नज़र में ये अजगर लगा, लेकिन एक जानकार व्यक्ति वहाँ पे था जिसने इस सांप को पहचान लिया और पहचान के उसने एक कॉल जब किया मुझे तो ये बताया कि काफ़ी बड़े साइज़ का वाइपर स्नेक है ये। तो
मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने देखा तो ये हल्का मूवमेंट कर रहा था दीवार के किनारे किनारे से, और ऑकवर्ड सी बात है कि ये सीज़न में वाइपर ज़्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन हमें एक ही दिन में दो वाइपर जो है वो दिख गए। लास्ट भी हमने एक वाइपर को निकाला था, हालांकि लक हमारा इतना अच्छा नहीं था, हम उसे नहीं बचा पाए थे क्योंकि उस पर फिनाइल भी डाल दिया गया था लोगों द्वारा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल हेल्दी स्थिति में थे, बहुत सही स्थिति में थे, और हमने आपको दिखाया कि ये कितने ज़्यादा एक्टिव थे। वो एक बड़े साइज़ की मादा हो सकती है, फुल साइज़ की थी वो, और जहाँ तक संभावना है ये उनके बच्चे देने का भी समय है, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव तो नहीं होते। पर अब देखिए नेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके वेनम पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे, किस तरीके का वेनम होता है इसका? बिल्कुल इसमें रसल स्वाइपर में हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो सीधे हमारे ब्लड सेल्स पे असर करता है, और लोकल एरिया पे हल्का सूजन से ये स्टार्ट होता है, सूजन आपको बहुत जल्दी ही दिख जाएगी, और हर केसेस में इसका जो जहर है वो अलग अलग रिएक्ट करता है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, इसका जहर का असर काफ़ी अलग अलग दिखता है। बहुत सारे लोगों में जो है दांतों के बीच से, कान से, आँख से खून जो है बहना शुरू हो जाता है, कई लोगों का खून नहीं भी बहता है उसके बावजूद उनकी मौत हो जाती है। और इसका जहर इसीलिए इतना ख़तरनाक माना जाता है क्योंकि इसका जहर असर एक साथ नहीं दिखाता, बहुत धीरे धीरे भी असर दिखाता है। कई पेशेंट्स को देखा गया है कि ये 2-3 महीने के बाद भी, इलाज होने के 3 महीने बाद तक मौत होते देखी गई है, और इसके बाइट करने पे कम से कम 15 से 20 एंटीवेनम के वॉयल्स तो लगते ही हैं, उसके ऊपर लग सकते हैं। इंडिया में 80 वॉयल्स तक का रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, 80 वॉयल्स तक जो है इसके बाइट पे लगाने की आवश्यकता पड़ चुकी है। और जैसा कि हमने देखा था प्रेम ठाकुर जी की मौत इसी सांप के काटने से हुई थी, और काफ़ी जल्दी उनकी मौत हो गई थी। और हमने ये भी देखा था कि कैसे उनकी मौत जो है काफ़ी कम समय में ही हो गई थी, हालांकि लापरवाही कह सकते हैं आप हॉस्पिटल की भी, उन्हें सिर्फ एंटीवेनम के 4 ही वॉइल्स दिए गए थे। लेकिन फिर भी हमारी सलाह यही होगी सभी को कि कोई भी स्नेक बाइट होता है तो आप हॉस्पिटल जाके ही उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, हॉस्पिटल के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा जो है ऑप्शन जो है नहीं है। रसल वाइपर इतना ख़तरनाक सांप है कि हॉस्पिटल जाने के बावजूद इसमें बचने की संभावना बहुत ही कम होती है, तो आप समझ सकते हैं कि जो आदमी हॉस्पिटल नहीं जाए उसके बचने की संभावना क्या है, मतलब 0% है, बच ही नहीं सकता इंसान। देखिए दोस्तों, एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले हमारे एक फॉलोअर ने हमको व्हाट्सएप किया था, जिसमें 4-5 लड़के हैं, अब वो स्नेक एक्सपर्ट्स हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता, तो वहाँ पर वो कुछ पंपिंग के थ्रू दिखा रहे थे कि इस तरह से आप वेनम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही एंटी वेनम का वॉयल लगेगा। तो इस तरह के वीडियोस को हम आपको फॉलो करने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे। पंपिंग के थ्रू हो सकता है कि आप कुछ अमाउंट निकाल लें, लेकिन ये 80% असर तब तक कर चुका होता है। देखिए, किसी भी सांप के जहर को बनाने में प्रोटीन और एंजाइम्स का बहुत सारा रोल होता है। वेनम बनता ही प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड से। अगर बात करें जैसे अमित जी ने बताया अभी कि ये हेमाटॉक्सिन इसका जहर होता है, असर भी इन्होंने बताया, तो ये 3 तरीके का असर होता है। अगर आप को वाइपर ने काट लिया है तो आपके बॉडी में 3 तरीके का असर होता है। पहला एक हेमोटॉक्सिक का असर होता है जिसमें आपका ब्लड पूरा डैमेज हो जाता है, WBC RBC खराब हो जाते हैं। दूसरा इसमें नेक्रोटाइजिंग असर होता है, नेक्रोटाइजिंग असर में जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और तीसरा होता है एंटीकोगुलेंट असर, एंटीकोगुलेंट यानी कि रक्त की जो जमने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, प्लेटलेट्स को भी ये मार देता है। तो अब इसका असर कैसा होगा, जैसे अमित ने बताया कि असर अलग अलग कारणों से अलग अलग हो सकता है। नेक्रोटाइजिंग यानी टिश्यूज़ की डेथ तब होती है जब किसी एक एरिया में वेनम कॉन्सेंट्रेट हो जाए। जैसा कि जो वीडियो हमने देखा था उसमें लड़के ये बता रहे हैं कि आप एक कपड़े से टाई अप कर लीजिए, क्रैप बैंडेज से बांध लीजिए। अगर आप हेमोटॉक्सिक जो जहर छोड़ते हैं सांप उनके काटने के बाद अगर आप ऐसा करेंगे तो जो जहर का अमाउंट हो सकता है आगे बॉडी में ना जाए, लेकिन जिस एरिया में वो कॉन्सेंट्रेट करेगा आपको वो एरिया कट करना ही पड़ेगा। एक स्नेक एक्सपर्ट हैं झारखंड के बापीदा,
उनको उन्होंने रिसेंटली रसल स्वाइपर रेस्क्यू करने वो गए हुए थे घर पे, और उनको मालूम नहीं था कि वहाँ पर दो है, एक का ही उनको बताया गया था, और बाई मिस्टेक उनके पैर में काट लिया गया। उन्होंने विद इन 2 मिनट्स, वो हर समय एंटीवेनम अपने साथ रखते हैं, 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने 4 एंटीवेनम शॉट्स लिए, और फिर आधे घंटे के अंदर उन्होंने और जो उनका क्लिनिक है वहाँ जाकर एंटीवेनम्स लिए, और टोटल में 27 एंटीवेनम्स और इतने ही एंटीबायोटिक्स उन्होंने लिए। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पैर में जो लोकल एरिया जहाँ पर उसने काटा था वहाँ पर गैंग्रीन हो गया उनको, और अभी भी उनको इलाज करवाना पड़ रहा है, और ये इलाज उनका 2 से 3 महीने तक जारी रहेगा। उनके मूत्र से भी रक्त बह रहा है, मतलब पेशाब में खून आ रहा है उनको। तो रसल स्वाइपर से बचना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, आपको इससे उलझना ही नहीं। अजगर समझकर या YouTube पर वीडियोस देखकर आप इनको रेस्क्यू करने की गलती बिल्कुल ना करें, ऐसा करना बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि हमारे देश में वाइपर्स या किसी भी सांप का एंटीवेनम के थ्रू इलाज कराना बहुत ही महंगा है। आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इलाज भी इसका सिर्फ वही है, आपको 27 से 28 एंटीवेनम्स लगेंगे। किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए मात्र 15 मिलीग्राम का एंटीवेनम अगर ये इंजेक्ट कर देता हमारी बॉडी में, तो आपकी डेथ निश्चित है। 15 मिलीग्राम, वो एक बाइट में 125 mg तक छोड़ने में सक्षम होते हैं, और बड़े वाइपर्स जो अभी हमने रेस्क्यू किया इस साइज़ के वाइपर्स तो लगभग 175 से 200 मिलीग्राम तक छोड़ देते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब 15 मिलीग्राम अगर ये आपकी बॉडी में छोड़ रहा है और आपको तब 30 वॉयल्स की ज़रूरत है, तो क्या आप 125 से 200 mg इंजेक्ट होने पर आप बच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बच सकते। इसलिए हमारी सलाह ये है कि सांप अगर आपके इलाके में, आप चाहे किसी भी इलाके में हो, हर इलाके में एक ना एक स्नेक रेस्क्यूअर होता है, अगर आप हमारे लोकल एरिया से हैं तो आप हमें किसी को भी आप कॉल कर सकते हैं, और हम भी फ्री हैंडल नहीं करते हैं, हमारे पास स्पेशलाइज्ड टूल है, ये एक्सटेंड करने लायक ही हमारे पास हुक है जिसको हम कितने भी लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये हमारे पास अलग अलग तरीके के 3 टोंग्स है। ये फैल्कन नोज टोंग है जो एक्सट्रीमली हाईली वेनमस स्नेक्स को हम रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 0 डायमेंशन है, मतलब गैप की बिल्कुल संभावना नहीं है। मनोज जो रेस्क्यू करते हैं जिससे, और मैं जिससे रेस्क्यू करता हूँ, वो जैबर है जिसमें कोबरा वगैरह को पकड़ने में आसानी होती है। तो हर सांप के लिए हमारे पास अलग टूल मौजूद है, हम अलग अलग बैग्स इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको डब्बे में शिफ्ट करते हैं। तो ये कोई आर्ट नहीं है कि आप इसको YouTube से देखकर सीख जाएंगे, इसमें हर दिन नया खतरा होता है। हम जब भी सांप रेस्क्यू करने जाते हैं तो जब तक हमको मालूम नहीं होता कि कौन सा स्नेक हम रेस्क्यू कर रहे हैं, जब तक हमको सांप नहीं दिखता हम खतरे को बराबर ही मानते हैं। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप फ्री हैंडलिंग या हैंडलिंग ही नहीं करें, आपको अगर सांप दिखता है, आपको उसकी जानकारी है या नहीं है, आप अपने लोकल स्नेक एरिया एक्सपर्ट को बुलाइए और उनसे फिर उनको डील करने दीजिए। सांप हमारे मित्र होते हैं, ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं, अगर आप इनको मारेंगे तो हमारा पर्यावरण का तंत्र जो है बिगड़ जाएगा, इसलिए सांपों की मदद करें और बने रहिए। यहाँ पे लास्ट पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है शहर किरंदुल और बचेली में, तो मैं बचेली और किरंदुल के सभी रहवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में इवन किरंदुल में भी और बचेली में भी सांपों को मारना लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। कभी भी किसी भी वक्त उनको सांप, कैसा भी सांप दिखता है तो वो ज़रूर हमें कॉल करते हैं, हमारी टीम को कॉल करते हैं, और हमारी टीम का जो भी मेंबर वहाँ पास में होता है वो जाके सांपों को निकाल के आता है। तो इसके लिए बचेली और किरंदुल के रहवासी भी बराबर जो हैं वो बधाई के पात्र हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और उनसे ये अपेक्षा हम रखते हैं कि जो अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है आगे भी उसे जारी रखेंगे, सांपों को मारेंगे नहीं, हमारी टीम को कॉल करेंगे। बिल्कुल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।